चलो यार, फाइनली मीटिंग खत्म हो ही गई है तो घर चलते हैं अब। फाइनली यार मीटिंग खत्म हो ही गई है। मैंने कहा चलो यार घर चलें, आज तो पार्टी वालों ने यार 2 दिन ना हो ऑफिस तो यार इतना बुरा हाल हो जाता ना, कसम से 2-3 दिन ना हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ यार तुम लोग सब खैर खैरियत से होगे और ठीक ठाक होगे। तो यार मैं ना इधर पार्टी के दफ्तर आया हुआ था यार, इधर ना कुछ काम वगैरह जो है ना वो पड़ा हुआ था पेंडिंग करने वाला, तो वही काम वगैरह जो है ना वो सारा कुछ निपटाने निपटूने आया हुआ था आज मैं। तो 2-3 घंटे सुबह का आया हुआ, तो 3 घंटे हो गए थे मुझे इधर तकरीबन, तो अभी फारिग हुआ। तो मैंने कहा चलो यार घर चलते हैं, तो उम्मीद करता हूँ यार तुम लोग सब ठीक ठाक हो गए। अब यार वो काफ़ी मसरूफियत थी ना आजकल, तो इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था पार्टी के दफ्तर ना मसरूफियात की वजह से। तो इस वजह से ना मैंने फिर आज सोचा कि यार मैं आज आ जाऊँ, क्योंकि आज वो मसरूफियात वगैरह मेरी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। और यार गाइस जो है ना जिमी के टैकर्स वगैरह का जो है ना वो ट्रेवर ने कह के पता वगैरह उसने लगवा लिया है, तो आज वो जो है ना उनको लोकेट करने जाएगा। तो देखते हैं कि उसके बाद वो कहाँ पे मिलते हैं नहीं मिलते हैं। उसको जगह का पता लग गया, लेकिन अब बात यह है कि वो उस लोकेशन पे आते हैं नहीं आते ये देखना है। अबे यार बातों के चक्कर में आगे निकल गया, इधर से यू टर्न ले लूँ वापस। तो जिमी के भी जो है ना, जिमी भी थोड़ा बेहतर हो गया है पहले से, तो जो है ना उसका यानी कि जो हड्डियाँ हड्डी वगैरह थी वो फ्रैक्चर हो गई थी उसकी, तो वो सही वगैरह हो गई है। मैंने कहा चलो ये तो अच्छा हो गया है, लेकिन यार उन्होंने टैकर्स को छोड़ना तो नहीं है। मैंने ड्राइवर को लगाया हुआ है, वो कह रहा था कि उनकी लोकेशन का पता चल गया है, तो बस कह रहा था कि उनके अब उधर ही जा रहा है। चलते हैं। अबे यार फ्यूल भी खत्म हो गया, ऐसा कहते पहले फ्यूल डलवा लेते फिर निकलते हैं। फ्यूल खत्म हो गया है, साथ ही इंडिकेशन आ गई फ्यूल की। अबे तेरी बेटी यार, यार इसको हॉर्न दे भी रहा हूँ यार फिर भी नहीं ना। एक तो यार ये वाम नहीं सुधर सकती कभी। चलो यार पंप तो आया ना, मैंने कहा फ्यूल तो डलवाएं। चलो यार फ्यूल डलवाएं, मैं कहा मैं 1,000 रुपये का बहुत रहेगा। चलो पेट्रोल डलवा लिया, अब निकलते हैं घर को। अब तुम लोग यार ये सोच रहे होगे कि यार ये मैं किधर जा रहा हूँ, तो तुम लोगों के लिए ना एक सरप्राइज है, बस देखते जाओ आगे आगे। तो यार ये हम पहुंच गए हैं। सो गाइस तुम लोगों के लिए यही सरप्राइज है कि यार तुम्हें पता ही है कि हम लोग घर वगैरह जो है ना वो शिफ्टिंग वगैरह का कर रहे थे, तो फाइनली जो है ना वो पार्टी वालों ने जो है ना शिफ्टिंग वगैरह हमारी करवा दी नए घर में, तो बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। तो ये जो है ना वॉक अराउंड में साथ साथ तुम लोगों को देता जाता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह यानी कि सारा कुछ हुआ। सो इस प्रोसेस के अंदर ना जो है वो पार्टी वालों ने मुझे अभी जो है ना लोकेशन वगैरह जो है ना चेंज कर दी है। अब ये वाली लोकेशन फिलहाल तब तक रहेगी जब तक मैं जो है ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है ना वो जीत नहीं जाता, और बिलफर्ज अगर मैं नहीं भी जीता तो ये वाली लोकेशन तो वो मुझे दे के ही रखेंगे। बिलफर्ज अगर मैं नहीं भी जीता और अल्लाह करे ना ही जीतूँ, जिस तरह पाकिस्तान की टीम जो है ना वो 3 मैचेस जीत गया ना, तो तुम लोग भी दुआ करो यार आने वाले इलेक्शन में मैं जीत जाऊँ और प्रेजिडेंट बन जाऊँ, तो फिर मुझे जो है ना वो अच्छा सा इसके बजाय कर दे देंगे। लेकिन फिलहाल अभी उस घर से छुटकारा पा गए, क्योंकि यार वो देखो ना शहर के बाहर था तो उधर बड़े मसले थे। ये शहर के करीब है, शहर में भी है, यहाँ से जिमी की यूनिवर्सिटी भी करीब है, और ऊपर से ना क्या कहते हैं मेरा पार्टी का दफ्तर भी यहाँ से करीब है, तो यार ये बड़ा फ़ायदा है। और यहाँ से ना फिर फ्रैंकलिन के अगर कभी उधर जाना हो, क्या कहते हैं शोरूम वगैरह भी जाना हो ना डीलरशिप पर फ्रैंकलिन वाली, तो यहाँ से आसान है जाना। सो वॉक अराउंड देना शुरू करता हूँ। ये इन्होंने ना अपार्टमेंट टाइप दी है, बल्कि अगर मैं तुम लोगों को ऊपर दिखा सकूँ तो तुम्हें ऊपर वो नज़र आ रहा होगा, वो देखो वो तुम्हें नज़र आ रहा होगा। तो ये बेसिकली इन्होंने हमें ना पेंट हाउस वगैरह टाइप दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना ये
पार्टी वालों ने ना यहाँ पे बैरियर वगैरह लगा दी है, और ये रिजर्व पार्किंग है सिर्फ, यानी कि मेरे लिए, क्योंकि मेरा पेंट हाउस जो है वो ऊपर है। यहाँ पे हमारी जो गाड़ियाँ वगैरह वो खड़ी हैं, पार्टी की है, ये करोला मेरी खड़ी हुई है और वो जिमी की करोला खड़ी है। तो ये जो पार्किंग एरिया है सारा रिजर्व है, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 पार्किंग गाड़ियाँ आ जाती हैं। एक को यहाँ पे आ जाएगी इस तरफ करके, एक वहाँ पे आ जाएगी, 3 ये होगी और एक दो वहाँ पे आ जाएंगी। तो फिलहाल तो चूंकि हमारे पास अभी 3 ही गाड़ियाँ हैं, तो अभी तो इस तरह ही खड़ी कर लेते हैं। चलते हैं भाई, एलिवेटर लेके ऊपर चलते हैं, यहाँ पे एलिवेटर से जाना पड़ता ऊपर। चलो गाइस, ये देखो ये हमारा नया पेंट हाउस। तो ये हमारा जो सिटिंग एरिया वगैरह है, फायर प्लेस वगैरह सर्दियों के लिए, क्योंकि यार एक तो ये पेंट हाउस है और ऊपर है और ओपन ओपन है काफ़ी, तो इस वजह से ना यहाँ पे जो है ना इन्होंने फायर प्लेस वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ है। मैं अपना कमरा पहले दिखा देता हूँ। तो ये मेरा वर्क एरिया वगैरह उन्होंने प्रोवाइड किया है, और ये मेरा बेडरूम वगैरह है। कैसा लगा गाइस तुम लोगों को? और गाइस ये भी देखो कि वो जो है ना यार, इस पेंट हाउस की बात अच्छी है यार, इसका व्यू बहुत ज़बरदस्त है। जिधर भी देखो ना, तो ऑलमोस्ट ऑल 4 साइडेड व्यू है। वो देखो सामने तुम लोगों को, तो बीच वगैरह जो है ना वो सारा कुछ नज़र आ रहा होगा, और वो सिक्योरिटी गार्ड नज़र आ रहा होगा। फाइनली यार जब से जिमी वाला हादसा हुआ ना, तो मैंने उनको कहा यार सिक्योरिटी गार्ड वगैरह प्रोवाइड करें इस पेंट हाउस में। लास्ट वाले में तो घर में थे ही नहीं ना, तो इस वगैरह में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किए। तो मैं अभी दिखाता हूँ उन्होंने कितने ज़्यादा दिए हैं। और ये रहा बात हमारा, ये देखो टब वगैरह लगा हुआ है, और साथ यार ये देखो इतनी बड़ी जो LED ये भी लगाई हुई है इन्होंने। ये देखो गाइस फुल टाइम यार शशकों वाला पेंट हाउस इन्होंने दिया है। कम से कम जो इन्होंने रिप्लेसमेंट दी है वो हमें बहुत अच्छी वाली दी है। और ये हाईवे के पास, यही फ़ायदा है ना कि यार शहर से करीब है, तो आराम से बंदा चला चला भी जाता है। तो बाकी का तुम लोगों को विज़िट करवाता हूँ। और ये ना एक बस छोटा सा ना, यानी मिनिएचर सा गार्डन टाइप, या आपको कह लो मिनिएचर सा, एक खूबसूरती के लिए उन्होंने ये प्रोवाइड किया हुआ है। तो स्विमिंग के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये स्विमिंग के लिए नहीं है, है तो ही वैसे ही। तो ये देखो गाइस ज़रा चेक करो व्यू यार कितना ज़बरदस्त है। ये किचन एरिया वगैरह आ गया सारा, और वो डाइनिंग है, वो जिमी बैठा हुआ है धूप वगैरह सेक रहा है। तो ये इसकी एक और एंट्रेंस है, ये सारा जो है ना बाहर बैठने का सिस्टम वगैरह है। और ये देखो यार ये सारा लाउंज वगैरह एरिया, सिटिंग वगैरह एरिया, यहाँ पे भी उन्होंने ना जो है हमें वो लगा के दिया हुआ है अपना, LED वगैरह लगा के दिए। मुझे इस घर की सबसे अच्छी बात ये लगी कि यार इसमें 2 कमरे प्रॉपर इन्होंने बनाए हुए हैं। ये देखो ये जिमी का कमरा है, ये इसका लैपटॉप वगैरह पड़ा है, और ये जिमी का बेडरूम है। इसमें ये फ़ायदा है कि इन्होंने ना जिमी के लिए भी, यानी कि दूसरा कमरा बेसिकली बना दिया, तो जिमी का फ़ायदा, जिमी यहाँ पे सोता है और मैं उस वाले कमरे में। वॉशरूम अभी फ़िलहाल एक ही है, वो कह रहे थे कि हम इसको एक्सटेंड कर देंगे फर्दर, तो अभी इस पर बात चल रही है, वो फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन कर देंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल उन्होंने कमरा वगैरह बनवा दिए थे। पहले एक ही था इसमें भी, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने फिर बनवा के ना हमें कहा यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। स्विमिंग पूल फ़िलहाल बंद है अभी, ये गार्ड एक खड़ा है हमारा, एक ये खड़ा है, और वो जिमी बैठा हुआ है। पूछते हैं क्या कर रहा है यार ये। हाँ भाई जिमी क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, क्या कर रहे हो तुम? तबीयत वगैरह ठीक है? जी, पापा मैं ज़रा धूप वगैरह सेक रहा था, डॉक्टर साहब ने कहा था कि इधर बाहर बैठ के ना ज़रा धूप वगैरह सेको, तुम्हारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, वाइटामिन डी वगैरह मिल जाता है सूरज की रोशनी से। अच्छा तो कैसा लगा यार व्यू, कैसा लगा तुम्हें घर का? मज़ा आ रहा है? जी पापा बहुत मज़ा आ रहा है, कसम से यार पापा इधर का जो व्यू है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। आप देखें ना सामने समुंदर है, बीच है सारा, और कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पे ना वो जो क्या कहते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी वगैरह भी करीब है, फ्रैंकलिन भाई की डीलरशिप वगैरह भी करीब है। हाँ यार ये तो वैसे बहुत फ़ायदा हो गया, फाइनली जो है ना जो डीलरशिप वगैरह वो काफ़ी करीब है यहाँ से, फिर भी एज़ कम्पेयर टू पिछले घर। पापा फ्रेंकली स्पीकिंग ना, मुझे ये वाला जो है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है, ये वाला पेंट हाउस, मैं तो कहता हूँ यहीं पर रहते हैं हम। हाँ राधा तो अभी यही है, चलो देखते हैं कि क्या बनता है, इलेक्शंस के बाद देखूँगा। और तुम लगे रहो फिर, ठीक है पापा। तो ये भी सिटिंग एरिया वगैरह है बाहर, बारबेक्यू एरिया वो साइड पे बना हुआ है सारा हमारा, तो वो भी तुम लोगों को विजिट वुजिट करवा देता हूँ। गार्ड्स वगैरह तुम देखो यार सारे अलॉट किए हुए हैं फुल टाइम, चश्का बंद दिया उन्होंने, पूरा प्रोटोकॉल है। ये सिटिंग एरिया वगैरह है, ये कुछ मेहमान वगैरह मेरे आए हुए हैं, तो ये भी सन बैथ वगैरह ले रहे हैं यार शेड के अंदर। और यार देखो ना तुम लोग व्यू चेक करो यार, कैसा गजब का और कमाल का व्यू है यार।
ये बिल्डिंग, और वो देखो सामने नीचे फुटबॉल कोर्ट्स वगैरह भी अवेलेबल है। यहाँ से अगर मैं सीधा हम लेफ्ट चले जाएँ तो हाईवे पे चढ़ के तो बीच वाली साइड पे भी जा सकते हैं, सारा सीधा बीच वगैरह है उस तरफ जो है ना, दूसरी तरफ वो परली साइड पे, वहाँ पे फ्रैंकलिन का वो है डीलरशिप वगैरह है। तुम्हें ऊपर का व्यू भी बल्कि चेक करवाता हूँ मैं, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों का जो हाउस टूर वगैरह है वो पसंद वगैरह आ रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा यार तुम लोगों को। ऊपर चलते हैं और तुम लोगों को ऊपर दिखाता हूँ। चलो यार पहुँच गए फाइनली। ये देखो इस पेंट हाउस की खास बात ये है कि इसमें हेलीपैड वगैरह भी अवेलेबल है, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, क्योंकि ऑब्वियसली वो कहे थे कि वो जब आप प्रेसिडेंट बन जाओगे ना तो तब हम आपको देंगे एज अ, यानी कि ना अवार्ड के तौर पे, यानी कि अगर प्रेजिडेंशियल इलेक्शन में जीत जाता हूँ। गार्ड्स वगैरह सिक्योरिटी तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली कह के मुझे प्रोवाइड करें, और ये देखो यहाँ पे भी गार्ड है, वहाँ पे भी है, वो भी एक खड़ा हुआ है। तो ये गाइस वगैरह सीन है, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को पसंद आया। और यार गाइस इस घर का ना नाइट व्यू बहुत ज़बरदस्त है, अमेजिंग है। तो चलता हूँ मैं अभी नीचे जाके ना, मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाऊँ, रेस्ट वेस्ट कर लूँ। तो ट्रेवर को मैंने आज कॉल करनी है, उसे पूछना कि यार क्या बना है। तो तुम लोगों से ना फिर इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होती है। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को हाउस टूर जो है ना पसंद आया होगा। मैं जाके ना तब तक ज़रा फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ, नहा धो के, तो तुम लोगों से फिर बाद में मुलाकात होती है। चलो यार अभी मैं आया हूँ शिपमेंट वगैरह डिलीवरी करके ना। तो यार माइकल की मुझे पिछले 2-3 दिन से कॉलें आई जा रही हैं, आई जा रही हैं। ड्राइवर यार पता लगवा, ड्राइवर यार पता लगवाओ, जिमी के टैकर्स का। मैंने कहा भाई मेरे इस काम में थोड़ा टाइम लगता है, ये अनऑफिशियल तरीके से मैं कर रहा हूँ। कौन सा ऑफिशियल तरीके से कर रहा हूँ, कौन सा तू अपनी पार्टी के जरिए करवा रहा है ये। रॉन को भी मैंने खोज पे लगाया हुआ था, तो अभी लोकेशन का पता चला है तो मैं उसी लोकेशन पे जाने लगा हूँ। लोकेशन का जो है ना वो मुझे अभी पता चला है, तो अभी जाने लगा हूँ। ये रॉन जो है अपनी शराब वगैरह बना रहा है, कच्ची शराब, शाबाश रॉन लगा रहा है। मैं जाके पता करके आता हूँ उनका। चलो यार चलते हैं पता करने, खोज वगैरह लगाई है, देखते हैं कि इसके, देखो ना असल जो है बंदों से कहें काम हुआ हुआ है, असल जो मुजरिम है ना उसका तो पता लगाना बहुत ज़रूरी है। खैर निकलता हूँ मैं अब, रॉन ने मुझे पता करके बताया था लोकेशन का, पहले मैं नेविगेशन वगैरह लगा लूँ ज़रा। बड़ी मुश्किल से यार इन अटैकर्स का पता चला, कसम से यार बहुत मुश्किल से पता चला है। मिल ही नहीं रहे थे यार, अंडरग्राउंड हुए थे वो भी, बंदे खोज पे लगाए थे। मैंने रॉन को कहा था अगर बंदे खोज पे लगाए इनका पता लगवा, तो अब वो हत्ते चढ़े हैं, तो अब जा रहे हैं। देखता हूँ कि आखिर इन हरामियों के पीछे है कौन यार, असल मुजरिम तो बाद में पता चलता है जब खोज वगैरह लगाओ ना अच्छी तरह। लोकेशन तो काफ़ी दूर है, तो देखते हैं यार क्या बनता है। मैंने माइकल से पूछा था अगर मुझे तो ठोक दूँ, तो कि उसने कहा था यार अभी ठोकी ठोकी ना, क्योंकि वो जो मामला है फिर आगे बढ़ जाएगा, और जो असल जो कल्प्रिट होगा ना, जिसने ऑर्डर वगैरह इनको किया होगा मारने का, तो वो तो भाग जाएगा पीछे से। असल मुजरिम तो असल तो भाग जाएगा पीछे से, तो पता क्या चलेगा। वो तो कहाँ, वो तो बंदे उसने आगे हायर किए होंगे, वो तो मार मूर भी देंगे, तो पिछलों का तो पता ही नहीं चलेगा। असल काम तो पिछलों का पता लगाना है, मेन चीज तो उन्हीं का ही पता लगाना है ना। लोकेशन काफी दूर है, चलते हैं। ये शुक्र है कि पेट्रोल वगैरह काफी है, सुबह ही मैंने डलवा लिया था। पहुंचने ही वाले हैं लोकेशन पे, बड़ी इन्होंने कोई ना जिसे कहते हैं ना सीक्रेट लोकेशन चुनी है, बड़ी टाइट और सीक्रेट लोकेशन। इतना आसान नहीं था इन लोगों की खोज लगाना, बड़ा डेंजरस काम भी है, लेकिन खैर यार मेरे लिए तो इतना नहीं है, मैं तो करता ही रहता हूँ। कोई आम बंदा हो ना जिसका माइकल है, तो उसके लिए तो बहुत डेंजरस काम है, और वैसे भी उसकी रेपुटेशन जो है ना वो हर्ट भी हो सकती थी अगर वो पार्टी का ऑफिशियल मीन्स यूज़ करता। मैंने कहा चलो यार उसकी हेल्प ही कर दूँ,
यहाँ पे करके कहीं पे आ गई लोकेशन। अबे वो कुछ नजर आ रहा दूर, आगे चल के देखते हैं क्या है। ऐसा करता मैं ट्रक इधर ही खड़ा कर देता हूँ झाड़ियों में ताकि पता ना चले। चलो यार जरा ना ध्यान से जाते हैं इधर झाड़ियों से हो के ना। अभी तक फिलहाल नजर तो नहीं आ रहा कुछ, और थोड़ा सा देखते हैं। अब यार वो एक गाड़ी नजर आ रही है, तुम लोगों को आई नजर? सकता हूँ थोड़ा सा करीब जाता हूँ। अबे यार वो देखो, अबे यार वो नजर आए बंदे। चलो यार चुप करके देखते हैं इधर साइड से होके ना। चुप करके देखते हैं यार ये क्या कर रहे हैं। अबे हाँ भाई काम वगैरह हो गया? जी जी उस्ताद हो गया काम, आपने जैसा कहा था हमने वैसे किया। शाबाश लड़को शाबाश, किसी ने फॉलो वगैरह तो नहीं किया तुम लोगों को? नहीं नहीं उस्ताद किसी ने फॉलो नहीं किया, आपका काम हो गया हमारी पेमेंट। वो तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी बैंक के अंदर, अभी थोड़ी देर में ही आ जाएगी। अरे साहब पेमेंट तो कर दे कैश में ही कर दे, हम कैश में नहीं डीलिंग करते। तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी शाबाश, ऐसे ही काम करना। और अब कुछ अरसे के लिए ना अंडरग्राउंड हो जाओ, बल्कि मेरा मशवरा तुम शहर ही छोड़ दो इससे पहले कि कोई तुम लोगों की खोज लगा ले। मैं निकलता हूँ। ठीक है उस्ताद। चलो शाबाश, चलो यार फाइनली काम हो ही गया, निकलता हूँ यार मैं। अब माइकल की तो ऐसी मैंने किया ना, अब बॉस भी खुश हो जाएंगे, बॉस भी जो है ना वो खुश हो जाएंगे। माइकल की तो मैंने ऐसी किया ना, याद ही करेगा ये। चलो मैं तो निकलता हूँ यार। चलो भाई मैं तो निकलू यार, बॉस की लोकेशन पे जाना है। अबे यार शिट यार वो निकल गया, वो मैं इनकी बातें सुनने रुक गया था। अबे मेन तो बंदा वही है यार। चलो यार जल्दी से भागे यार। अबे बहन जो जो पीछे बंदा जा रहा था ना गाड़ी के अंदर, यही मेन बंदा है इनका जो इनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहा है। अबे यार अब यार वो तो हरामी निकल गया यार। चलो यार उसके पीछे चलो, उसको मैंने यहीं पे देखा था, मैं थोड़ा सा आगे गया था उसके पीछे चल के भागा था। अरे पता नहीं हरामी किधर भाग गया होगा अब तक। है अभी ये तो उसी की गाड़ी है। अबे हरामी का एक्सीडेंट हो गया, निकालता हूँ यार इसे। अबे हरामी क्या कर रहा है, निकल हरामी भाई निकल। निकल हरामी भाई चल दफा हो। अबे तेरी अबे बहन चोद इसको मारना ही पड़ गया यार। अबे यार शिट यार
अबे हरामी ने गोली नहीं निकाल ली थी यार, बंदूक निकाल ली थी। अबे यार शिट यार, क्या कर दिया यार मैंने, यार बंदा ही मार दिया यार जिस कल्प्रेट था मेन। अबे यार अब इसकी लाश को जो है ना छुपाना पड़ेगा। शिट यार लोगों ने देखा नहीं, अभी पता नहीं चला। अबे मैं करता हूँ ट्रंक खोलता हूँ और इसकी लाश को डालता हूँ बीच में। चलो यार अब इसको कहीं पे गाड़ के आना पड़ेगा। चलो यार हरामी को ना कहीं पे गाड़ के आना पड़ेगा यार। शिट यार ये क्या कर दिया मैंने यार, यही तो मेन बंदा था जिसका पता लगवाना था। अब माइकल को क्या बताऊंगा यार, सारा काम खराब कर दिया यार मैंने। अब यार सब कहाँ पे दबाऊं मैं, यहाँ पे दबा देते हैं अंदर जाकर। इधर इसकी लाश ठिकाने पे लगा देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। शिट यार एंड जो मार ही दिया बंदा ही, इसकी लाश ठिकाने लगाते हैं। चलो गाइस मैंने इसकी लाश को ठिकाने लगा दी यहाँ पे, तो किसी को मिलेगी नहीं यार, क्या बताऊंगा माइकल को। ऐसा करता हूँ मैं उसी लोकेशन पे जाके देखता हूँ कि उन वो दो क्या कर रहे हैं। अब तो मेरा भाई सबूत वही दो रह गए हैं, अभी जाके हरामियों को पकड़ता हूँ। देखता हूँ कि वो हैं कि नहीं वहीं पे। अब दुआ करो यार वो भागे ना हो। अब दुआ करो यार वो लोग भागे ना हो यार, अभी जाके इन सालों को पकड़ता हूँ। अबे वो ही खड़े हैं, अबे हरामियों। हाँ नीचे करो। अबे कौन है, अबे तू कौन है। हाँ नीचे करो, बैठ जाओ। अब हिलना नहीं तुम लोगों ने यहां से, वरना तुम लोगों की ऐसी की तैसी करके रख दूंगा मैं। अबे नहीं हिलते, हिलना नहीं तुम लोगों ने यहां से यार, हिलना नहीं है। अब तुम लोगों की ऐसी की तैसी करके रख दूंगा। बताओ तुम लोगों का बॉस कौन है। अच्छा बताते हैं भाई, बताते हैं, बताते हैं भाई, बताते हैं। अच्छा भाई तो सीन ऐसा है कि हम लोगों ने ना माइकल भाई के उस पर हमला किया जो है ना। हम लोगों ने अभी पेमेंट लेने आए थे तो गाड़ी में आप देखा ही होगा कि वो बंदा गया था। हाँ मैंने ठोक दिया उसको। हाँ मार दिया हमने। अब हमारी पेमेंट, साले तुम लोगों को पेमेंट की पड़ी है। अच्छा 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 भाई आप बताएं आप क्या चाहते हैं, मुझे पता बताओ। जी भाई मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता बताओ। ये ले पता भाई, चलो ठीक है। और भाई आप हमें छोड़ रहे हैं ना। हाँ हाँ जैसा वादा हुआ मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। चलो फिर, चलो सालो। बस मुझे लोकेशन का ही पता लगाना था। गो टू हेल रामी, पता लगा लिया मैंने कौन है। ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर है, ये नहीं चाहते कि माइकल इलेक्शन में जीते। अच्छा जी यार अगर तुम्हारा माइकल के साथ रोला था तो तुम बेचारे बच्चे के क्यों मारे। अबे यार गाड़ी किधर, अबे यार वो तो और रहेगी।
उड़ा दिया मैंने इनको भी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही पता लगानी थी। माइकल को कॉल करके बताता हूँ।